चलो बच्चों, तो आज हम लोग ओसी में चैप्टर नंबर 1 शुरू करें ना, जिसका नाम है फाइनेंशियल मैनेजमेंट। फाइनेंशियल मैनेजमेंट, मैनेजमेंट का एक नया पार्ट अब जो है वो हमें इस चैप्टर में देखना है। अभी तक जो हमने चैप्टर देखे ना ओसी में, वो जो है वो जनरल मैनेजमेंट है। जनरल मैनेजमेंट मतलब भाई पूरे बिजनेस का मैनेजमेंट, जिसकी पूरी प्रोसेस हमने 1 से 7 तक के चैप्टर्स में देखी। स्टार्टिंग से जो है वो मैनेजमेंट का बेसिक समझकर, फिर प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग, कंट्रोलिंग, ये मैनेजमेंट की सभी प्रोसेस हमने देखी ना। अब मैनेजमेंट का ही एक हिस्सा यहाँ पर आता है चैप्टर 8 से। समझो आपके ओसी का एक नया पार्ट शुरू होता है, मैनेजमेंट का एक अलग हिस्सा, जिसे हम लोग कहते हैं फाइनेंशियल मैनेजमेंट। सिंपल वे में कहो तो फाइनेंशियल मैनेजमेंट मतलब फाइनेंस का मैनेजमेंट करना, पैसों का मैनेजमेंट करना। अब पैसे बिजनेस में कितने जरूरी है वो हम सबको पता है। फाइनेंस या मनी कहो, वो बिजनेस का ब्लड कहलाता है। हमारी बॉडी में जैसे ब्लड सर्कुलेशन जरूरी होता है, उसकी वजह से ही हमारा बॉडी परफेक्ट चल पाता है। उसी तरह से बिजनेस में भी मनी सर्कुलेशन जरूरी होता है, बरोबर ना। मनी सर्कुलेशन होता रहे तो ही बिजनेस परफेक्ट चल पाता है, सही बात ना। और वो मनी सर्कुलेशन बरोबर चलता रहे ना, तो उसके लिए भी उसका मैनेजमेंट करना जरूरी होता है, जिसे हम लोग सिंपल लैंग्वेज में फाइनेंशियल मैनेजमेंट करते हैं, फाइनेंस का मैनेजमेंट करना। अब फाइनेंशियल मैनेजमेंट, मनी रिलेटेड मैनेजमेंट, मतलब वो कोई सिंपल सा छोटा सा कॉन्सेप्ट नहीं है खाली पैसों का मैनेजमेंट करना, लेकिन उसमें बहुत सारी बातें इंक्लूड होती है। डेफिनेशन वाइज ही अगर कहें ना, तो फाइनेंशियल मैनेजमेंट में 3 चीज़ें इंक्लूड होती है खास। फाइनेंशियल मैनेजमेंट जब किया जाता है, पैसों का मैनेजमेंट, तो उसमें 3 बातें खास इंक्लूड होती है। सबसे पहले कहाँ से पैसे लाने हैं वो, बरोबर, कहाँ से पैसे जो है वो लाएं, फाइनेंस कहाँ से एक्वायर करें, मतलब कैसे, कि खुद के पैसे लाने हैं, बैंक से लोन लेनी है, कि कहीं और से पैसे लाने हैं हमें, बरोबर, कि भाई शेयर्स इश्यू करके शेयर होल्डर के थ्रू हमें पैसे मिलेंगे, कहाँ से पैसे मिलेंगे वो पहले डिसाइड करना। फिर अगर पैसे मिल जाए तो उसका मैक्सिमम यूज़ कैसे करना, कि भाई कहीं वेस्ट तो ना हो जाए पैसे हमारे, बरोबर, कहीं फालतू खर्चे में तो नहीं जा रहे हैं पैसे, मैक्सिमम यूज़ करना पैसों का। और इसके बाद उन पैसों का कहाँ पर एलोकेशन करना है, ये ध्यान देना। एलोकेशन करना मतलब कि कहाँ प्रॉपर इन्वेस्ट करना है, कहाँ प्रॉपर यूज़ करना है, सेविंग रखनी है, रिजर्व रखना है, कि फिर जो है वो उसका सही जगह पर यूज़ करना है, बरोबर ना, इसे प्रॉपर एलोकेशन कहते हैं। तो ये पूरा मैनेजमेंट करना, ये पूरा ध्यान देना, उसे ही फाइनेंशियल मैनेजमेंट कहते हैं, बरोबर ना। फाइनेंस एक्वायर करना, उनका मैक्सिमम यूज़ करना, और फाइनेंस का प्रॉपर एलोकेशन करना, सही जगह पर उसका यूज़ करना, इसे प्रॉपर फाइनेंशियल मैनेजमेंट कहते हैं, बरोबर ना। ये तो सिंपल सा कॉन्सेप्ट हुआ। डिटेल में जब ये कॉन्सेप्ट समझते हैं तो किसके थ्रू, उसके कैरेक्टरिस्टिक के थ्रू समझा जाता है ना, बरोबर ना। कोई भी कॉन्सेप्ट डिटेल में समझना हो तो कैरेक्टरिस्टिक से पता चलता है। तो हम भी फाइनेंशियल मैनेजमेंट के कैरेक्टरिस्टिक्स अगर देखें, सबसे पहला आता है ब्रांच ऑफ मैनेजमेंट। फाइनेंशियल मैनेजमेंट वो मैनेजमेंट का ही एक ब्रांच कहलाता है। मैंने बताया ना अभी तक, जैसे हमने चैप्टर्स में भी पूरा देखा, आगे के जितने भी चैप्टर्स देखे वो जनरल मैनेजमेंट थे, पूरे बिजनेस का मैनेजमेंट। और उसी मैनेजमेंट के अंदर एक अलग से इंक्लूड होता है फाइनेंशियल मैनेजमेंट। तो ये मैनेजमेंट का ही एक हिस्सा है। जैसे बिजनेस में बाकी सब चीज़ों का मैनेजमेंट किया जाता है, वैसे फाइनेंस का, मनी का अलग से स्पेशल मैनेजमेंट किया जाता है, इसीलिए वो मैनेजमेंट की ही एक ब्रांच कहलाती है। देन वाइड स्कोप। ये फाइनेंशियल मैनेजमेंट कोई छोटा कॉन्सेप्ट नहीं है, बहुत बड़ा कॉन्सेप्ट है। जैसे मैंने बताया अभी, डेफिनेशन में भी यही बताते हैं कि फाइनेंशियल मैनेजमेंट छोटा नहीं, बहुत बड़ा कॉन्सेप्ट आता है। पैसे कहाँ से एक्वायर करने हैं, कहाँ मैक्सिमम यूज़ करना है उनका, कहाँ एलोकेशन करने हैं, कहाँ इन्वेस्ट करना है, कब कितने पैसों की ज़रूर है, ये सब चीज़ें जो है वो इंक्लूड फाइनेंशियल मैनेजमेंट में होती है। इसलिए कोई छोटा कॉन्सेप्ट नहीं है, काफ़ी बड़ा कॉन्सेप्ट आता है। इट हैज़ अ वाइड स्कोप एंड बेस्ड ऑन मैनेजरियल डिसीजन। फाइनेंशियल मैनेजमेंट उनके ऊपर ही मैनेजरियल डिसीजन बेस्ड होते हैं। मतलब ऐसे कहो कि मैनेजमेंट में, पूरे बिजनेस में कोई भी डिसीजन लेना हो ना, तो पहले फाइनेंस रिलेटेड डिसीजन लेना पड़ता है, या कहो फाइनेंशियल मैनेजमेंट करना पड़ता है, फिर ही जो है वो कोई भी डिसीजन लिए जाते हैं, सही बात है ना। कोई भी बिजनेस में डिसीजन लेने के लिए पहले पैसों के बारे में तो सोचना है ना। मेरी आज अगर यहाँ पर एक ब्रांच चल रही है, मुझे एक नई ब्रांच शुरू करनी है, सबसे पहले मैं मनी रिलेटेड डिसीजन लूँगा ना, कि मेरे पास कितने पैसे हैं, कितने पैसों में मैं नई ब्रांच शुरू कर सकता हूँ, सही बात है ना। सबसे पहले मैं मनी रिलेटेड डिसीजन लूँगा ना, बाकी की बातें बाद में।
तो इसलिए कोई भी मैनेजमेंट में डिसीजन लेना हो ना, तो सबसे पहले फाइनेंशियल मैनेजमेंट उसमें इंक्लूड करना जरूरी होता है बेस्ड ऑन मैनेजरियल डिसीजन एंड गोल ऑफ मैक्सिमाइजेशन ऑफ ऑनर्स इकोनॉमिक वेलफेयर। फाइनेंशियल मैनेजमेंट का मेन गोल, मेन मकसद यही होता है मैक्सिमाइजेशन ऑफ ऑनर्स इकोनॉमिक वेलफेयर। ये आगे का पूरा अलग टॉपिक है हमारा, लेकिन अभी सिर्फ शॉर्ट में समझते हैं। फाइनेंशियल मैनेजमेंट, मनी रिलेटेड मैनेजमेंट खासकर इसीलिए किया जाता है कि भाई बिजनेस में एक तो मैक्सिमम प्रॉफिट हो और दूसरा बिजनेस में जो ऑनर है उस ऑनर को फायदा होता रहे, ऑनर की कैपिटल इंक्रीज होती रहे। गोल ऑफ मैक्सिमाइजेशन ऑफ ऑनर इकोनॉमिक वेलफेयर कि भाई जो मालिक है उसका इकोनॉमिक वेलफेयर होता रहे, उसको जो है वो फायदा मिलता रहे, इसलिए ये काम किया जाता है ना। बरबर ना, कैसा फायदा, क्यों फायदा, वो आगे एक पूरा टॉपिक है हमारा। ये गोल, ये ऑब्जेक्टिव उसका पूरा एक अलग से टॉपिक आता है, वो समझेंगे। बाकी सिंपल सी बात है, फाइनेंशियल मैनेजमेंट इसलिए किया जाता है कि एक तो बिजनेस में अच्छा खासा प्रॉफिट बना रहे, बरबर ना। मैनेजमेंट, पैसों का मैनेजमेंट करने का मेन मकसद यही है कि हमें साल के एंड में अच्छा खासा प्रॉफिट हो, और दूसरा बिजनेस की कैपिटल बढ़ती रहे, मालिक को फायदा होता रहे। उसके लिए की पोजीशन, फाइनेंशियल मैनेजमेंट का पूरे मैनेजमेंट में या पूरे बिजनेस में की पोजीशन मतलब मेन पोजीशन रहती है। कोई भी बिजनेस ऐसा नहीं है कि जहां फाइनेंशियल मैनेजमेंट न किया जाता हो, पैसों का मैनेजमेंट न किया जाता हो, ऐसा कोई बिजनेस नहीं है। बिजनेस के हम जनरल लाइफ में भी पैसों का मैनेजमेंट करते हैं ना, कब कितना खर्चा करना है, कहाँ से इनकम है, इनकम के हिसाब से खर्चा हो रहा है कि नहीं हो रहा है, बरबर ना। ये सब चीज़ें हम लोग जनरल लाइफ में भी करते हैं, तो बिजनेस में नहीं करते होंगे। और जो बिजनेस अगर फाइनेंशियल मैनेजमेंट को इग्नोर करे तो वो बिजनेस चलेगा कैसे? जो बिजनेस में मनी रिलेटेड अगर मैनेजमेंट ना हो तो वो बिजनेस कैसे चलेगा? कि भाई बिजनेस में पता ही नहीं है प्रॉपर इनकम कितनी है, पता ही नहीं है प्रॉपर एक्सपेंसेस कितने हैं, तो वो बिजनेस चलेगा कैसे? सही बात है ना। इसलिए फाइनेंशियल मैनेजमेंट का बिजनेस में की पोजिशन, मेन पोजिशन रहती है। देन रिलेशन विथ अदर एरियाज ऑफ मैनेजमेंट, फाइनेंशियल मैनेजमेंट का दूसरे सब मैनेजमेंट के एरिया से रिलेशन रहता है। मतलब बाकी सब एरियाज, मतलब कि भाई मैनेजमेंट की जैसे दूसरी एक्टिविटीज़ की जाती है नॉर्मल, जो आगे हमने देखा प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, इन सब में भी मनी रिलेटेड चीज़ें तो इंक्लूड होती ही होती है। यहाँ तक कि बिजनेस में जो जनरल डिसीजन भी लिए जाते हैं, प्रोडक्शन रिलेटेड डिसीजन लेना हो, प्राइस रिलेटेड, सेल रिलेटेड, परचेस रिलेटेड, कुछ भी डिसीजन लेना हो, कितनी एडवर्टाइजमेंट करनी है, कोई भी डिसीजन लेना हो मैनेजमेंट का, तो उसके लिए पहले फाइनेंशियल मैनेजमेंट उसमें इंक्लूड होता ही है। कि अगर हमें एडवर्टाइजमेंट करनी है तो पहले तो बजट देखा जाता है ना, हमारे पास बजट कितना है तो उसके हिसाब से एडवर्टाइजमेंट करें ना, बरबर ना। बिजनेस में पड़े 10,000 हैं और हम एडवर्टाइजमेंट पे खर्चा 20,000 करें, पॉसिबल है? पॉसिबल ही नहीं है। कोई भी चीज़ का डिसीजन लेने से पहले मनी तो उसमें इंक्लूड होती ही होती है। सो इट इज़ रिलेटेड विथ अदर एरियाज ऑफ मैनेजमेंट, बाकी के सब चीज़ों में भी फाइनेंशियल मैनेजमेंट इंक्लूड होता ही होता है। एंड डिविजन इंटू टू पार्ट्स, फाइनेंशियल मैनेजमेंट को दो पार्ट में डिवाइड किया जाता है। कौन से दो पार्ट? कि एक तो मैनेजमेंट करना लॉन्ग टर्म कैपिटल का, लॉन्ग टर्म फाइनेंस का ऐसे कहो, और एक मैनेजमेंट करना शॉर्ट टर्म फाइनेंस का। ये भी आगे पूरा एक टॉपिक आएगा, आगे के पॉइंट्स में हम लोग सीखेंगे कि भाई बिजनेस में दो तरह की कैपिटल होती है ना, फिक्स कैपिटल और जो है वो ये करंट कैपिटल। फिक्स कैपिटल मतलब भाई लॉन्ग टर्म की कैपिटल, बिजनेस में जो है वो मशीन्स खरीदना, बिल्डिंग्स खरीदना, तो इनके लिए अलग से मैनेजमेंट होता है ना, बरबर ना। लॉन्ग टर्म फाइनेंशियल मैनेजमेंट उसे कहते हैं। और दूसरा होता है शॉर्ट टर्म फाइनेंशियल मैनेजमेंट, मतलब जिसे हम लोग कहते हैं करंट कैपिटल। करंट कैपिटल मतलब रोज रोज बिजनेस के खर्चों के लिए या बिजनेस की रोज रोज की इनकम कितनी है उसके रिलेटेड जो है वो मैनेजमेंट करना। रोज रोज के भी बहुत सारे खर्चे होते हैं ना, हर महीने लाइट बिल भरना, रेंट भरना, दूसरे छोटे मोटे खर्चे करते रहना, वर्कर्स को सैलरी देना, ये जो है वो रेगुलर खर्चे हैं, तो इनके लिए भी तो अलग से मैनेजमेंट किया जाता है ना। तो इसलिए कहते हैं फाइनेंशियल मैनेजमेंट को दो पार्ट में डिवाइड किया जाता है, एक लॉन्ग टर्म फाइनेंशियल मैनेजमेंट और दूसरा शॉर्ट टर्म फाइनेंशियल मैनेजमेंट, बरोबर। तो देखो ये फाइनेंशियल मैनेजमेंट के कैरेक्टरिस्टिक समझे, एक बात क्लियर हुई कि फाइनेंशियल मैनेजमेंट मतलब मनी रिलेटेड मैनेजमेंट, कि जिसमें पैसे कहाँ से लेने हैं, कहाँ उसका यूज करना है, कहाँ इन्वेस्ट करना है, इन सब के बारे में मैनेजमेंट करना, वही फाइनेंशियल मैनेजमेंट होता है। अब उनके कैरेक्टरिस्टिक समझे ना, वैसे ही अब समझा जाए उनके ऑब्जेक्टिव्स। ऑब्जेक्टिव्स मतलब गोल, जैसे मैंने बताया कि फाइनेंशियल मैनेजमेंट का मेन मकसद, मेन ऑब्जेक्टिव, मेन गोल क्या है। तो कहते हैं फाइनेंशियल मैनेजमेंट के जो गोल्स हैं ना, वो गोल्स भी दो पार्ट में डिवाइड होते हैं।
एक होता है प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन ऑब्जेक्टिव्स और दूसरा वेल्थ मैक्सिमाइजेशन ऑब्जेक्टिव। प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन एंड वेल्थ मैक्सिमाइजेशन। सबसे पहले प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन, जैसे यहां पर भी बताया फाइनेंशियल मैनेजमेंट का मेन मकसद होता है प्रॉफिट कमाना। कि कोई भी बिजनेसमैन हो, कोई भी बिजनेसमैन बिजनेस क्यों करता है? प्रॉफिट के लिए करता है ना। बिजनेस में जो भी एक्टिविटी करता हो, भले मैनेजमेंट की एक्टिविटी भी हो, क्यों करता है? कि साल के एंड में अच्छा प्रॉफिट मिले, बरोबर ना। और मनी रिलेटेड वो मैनेजमेंट भी करेगा, फाइनेंशियल मैनेजमेंट भी करेगा, तो क्यों करेगा? कि बिजनेस में अच्छा खासा प्रॉफिट मिलता रहे, बरोबर ना। और पता है बिजनेस में अच्छा खासा प्रॉफिट हो ना, तभी ही बाहर के जो इन्वेस्टर्स होते हैं, जो शेयर होल्डर्स होते हैं, वही हमारी कंपनी के शेयर्स खरीदते हैं। सही बात है, वही हमारी कंपनी के शेयर्स खरीदेंगे ना। हमने ये अकाउंट में भी सीखा है, यहाँ पर भी सीख रहे हैं, आगे भी देखेंगे ये, कि अगर अगर कंपनी शेयर मार्केट में अपने शेयर्स इश्यू करती है, मार्केट में शेयर रखती है, पब्लिक को कहती है कि आप लोग हमारे शेयर्स खरीदो, और पब्लिक क्यों शेयर खरीदेगी? शेयर खरीदने से पहले क्या चीजें चेक करेगी? सबसे पहले यही चेक करेगी कंपनी का प्रॉफिट कितना है, बरोबर। अगर कंपनी का प्रॉफिट अच्छा होगा तो ही फिर पब्लिक ये देखेगी कि नहीं भाई, इस कंपनी का प्रॉफिट अच्छा है, इस कंपनी में इन्वेस्ट करना चाहिए, इस कंपनी के शेयर्स खरीदने चाहिए। तो पब्लिक कंपनी के लिए शेयर्स खरीदेगी और कंपनी को पैसे मिलेंगे, कंपनी की आगे ग्रोथ होगी, बरोबर ना। आप भी अगर जो है वो बाय चांस कहीं पर अगर शेयर मार्केट का वर्क करो या कभी फ्यूचर में कोई कंपनी के शेयर्स खरीदो, तो कोई भी कंपनी के शेयर्स खरीदने से पहले है उसका प्रॉफिट ही देखा जाता है ना, कंपनी कितना प्रॉफिट कर रही है। हर साल अगर कंपनी लॉस कर रही हो तो उसके शेयर्स खरीदे जाते हैं? नहीं खरीदे जाते, हम भी लॉस में जाएंगे फिर। सीधी सी बात है ना, सिंपल सी ये बात है ना। तो इसीलिए हर बिजनेसमैन फाइनेंशियल मैनेजमेंट जब करता है ना, तो उसका मेन ऑब्जेक्टिव यही होता है प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन, प्रॉफिट को बढ़ाते जाना। हर साल अगर प्रॉफिट बढ़ता जाए तो बिजनेस की ग्रोथ तो होगी ही होगी, इसके साथ बाहर के इन्वेस्टर्स भी अट्रैक्ट होंगे, शेयर होल्डर भी अट्रैक्ट होंगे, और वो कंपनी के शेयर्स खरीदेंगे, कि जिससे कंपनी की ग्रोथ डबल हो जाएगी। इसलिए फाइनेंशियल मैनेजमेंट का मेन मकसद होता है प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन। दूसरा उनका मेन ऑब्जेक्टिव या मेन मकसद आता है वेल्थ मैक्सिमाइजेशन। वेल्थ मैक्सिमाइजेशन या इसका दूसरा नाम भी कहते हैं नेट प्रेजेंट वैल्यू ऑफ वेल्थ इंक्रीज करना, इंक्रीज ऑफ नेट प्रेजेंट वैल्यू ऑफ वेल्थ, या तो वेल्थ मैक्सिमाइजेशन। सिंपल सी भाषा में अगर पहले कहें ना, तो वेल्थ मतलब कहते हैं संपत्ति। हर बिजनेसमैन ये कहता है, पहले ऑनर के बारे में बात करें, फिर दूसरे के पॉइंट ऑफ व्यू से भी समझेंगे। वेल्थ मैक्सिमाइजेशन में हर ऑनर ये चाहता है कि आज मेरे बिजनेस में जितनी कैपिटल है, अगले साल उसकी कैपिटल इंक्रीज हो। मैंने अगर बिजनेस शुरू किया है, कोई भी तरह का बिजनेस, वो बिजनेस में आज मैंने पैसे लगाए हैं 1,00,000 रुपए, 1,00,000 मैंने कैपिटल लगाया और बिजनेस शुरू किया। सीधी सी बात, अगले साल मैं क्या सोचूंगा कि मैंने जो 1,00,000 लगाया है ना, उस 1,00,000 का 1.5 लाख होना चाहिए, कैपिटल इंक्रीज होना चाहिए ना। अगर कैपिटल इंक्रीज हुआ तो हम कहेंगे ना कि हाँ भाई, बिजनेस जो है वो आगे बढ़ रहा है, ग्रोथ कर रहा है। कि आज मैंने बिजनेस में 1,00,000 लगाया है, अगले साल चेक करूं कि यार मेरे तो 1,80,000 हो गए, तो मतलब बिजनेस पीछे जा रहा है ना, बरोबर। मतलब हमारा फाइनेंशियल मैनेजमेंट सही नहीं है ना। फाइनेंशियल मैनेजमेंट का मेन मकसद यही होता है वेल्थ मैक्सिमाइजेशन करना। एक ऑनर ये सोचता है कि मैंने जो बिजनेस में पैसे लगाए हैं तो वो पैसे बढ़ते रहने चाहिए, कैपिटल इंक्रीज होना चाहिए। और अगर कंपनी बिजनेस की बात करें ना, यहाँ पर ऑनर सोल प्रोप्राइटरशिप या पार्टनरशिप के हिसाब से माइंड में रखो कि भाई हर एक ऑनर अकेला बिजनेसमैन सोल प्रोप्राइटरशिप भी जितने पैसे लगाए हैं, दूसरे साल सोचेगा उसके पैसे बढ़े। लेकिन अगर कंपनी बिजनेस की बात करें तो कंपनी बिजनेस में ऑनर कौन होते हैं? ऑनर होते हैं शेयर होल्डर्स, बरोबर। ये हमने अकाउंट में भी सीखा है कि कंपनी बिजनेस में ऑनर शेयर होल्डर्स होते हैं, जो हमारे कंपनी के इक्विटी शेयर्स खरीदते हैं, जो हमारे कंपनी के शेयर्स खरीदे तो वो हमारी कंपनी के रियल ऑनर कहलाते हैं ना। क्योंकि हमें ये बेसिक तो पता है कि भाई इक्विटी शेयर्स जिन्होंने खरीदे हैं तो उनके पैसे वापस देना कंपलसरी नहीं है, वो हमारी कंपनी का कैपिटल कहलाता है। और पता है कोई भी शेयर होल्डर हमारी कंपनी के शेयर्स क्यों खरीदेगा? कि यहाँ खरीदेगा तो उसकी भी इच्छा यही रहेगी ना कि आज मैंने इस कंपनी के 100 रुपए का शेयर खरीदा है ना, अगले साल उस कंपनी का शेयर 100 से 105, 110 हो जाए, बरोबर ना, उसकी वैल्यू बढ़े। हर शेयर होल्डर भी तो यही सोचता है ना।
हम भी अगर कोई कंपनी के शेयर्स खरीदते हैं, 100 रुपए में शेयर खरीदा तो 100 रुपए ही रहे, ऐसा सोचते हैं? नहीं, हम लोग ये सोचते हैं ना कि 100 में शेयर खरीदा है उसकी वैल्यू 105, 110, 120 ये इंक्रीज होनी चाहिए, तो ही तो भाई पता चलता है ना कि बिजनेस ग्रोथ कर रहा है, बरोबर ना। इसीलिए फाइनेंशियल मैनेजमेंट का मेन मकसद वेल्थ मैक्सिमाइजेशन होता है। वेल्थ मैक्सिमाइजेशन मतलब कैपिटल इंक्रीज करते रहना, जो ऑनर है उसकी कैपिटल हमेशा बढ़ती रहे, वो ऑनर भले वो पर्सन हो या शेयर होल्डर हो, वो हमेशा यही चाहते हैं कि कैपिटल इंक्रीज होती रहे, इसलिए ये मैनेजमेंट किया जाता है। और वही वेल्थ मैक्सिमाइजेशन का दूसरा नाम नेट प्रेजेंट वैल्यू ऑफ वेल्थ कहते हैं। नेट प्रेजेंट वैल्यू ऑफ वेल्थ मतलब कि भाई हमारे बिजनेस में टोटल वेल्थ, टोटल संपत्ति, कैपिटल कितनी है वो चेक करना, नेट वैल्यू। और नेट वैल्यू कैसे ढूंढी जाती है, एक फॉर्मूला वाइज अगर कहें तो नेट वैल्यू ढूंढी जाती है प्रेजेंट वैल्यू ऑफ वेल्थ माइनस इन्वेस्टमेंट रिक्वायर्ड। अभी वेल्थ की वैल्यू कितनी है, मतलब अभी हमारे पास संपत्ति कितनी है और सामने कितना इन्वेस्टमेंट जरूरी है, इनका माइनस करो, वो नेट प्रेजेंट वैल्यू ऑफ वेल्थ कहलाता है। सपोज कि अगर मेरा बिजनेस चल रहा है और बिजनेस में अभी मेरे पास 5 लाख की वेल्थ है, कैपिटल का है, मैंने बिजनेस शुरू किया था 1 लाख से, भाई उसको इतने साल हो गए, अब मेरे बिजनेस की जो है वो वैल्यू, अब मेरा कैपिटल 5 लाख रुपए है, बरोबर ना। सिंपल सी बात है ना, ये हमें ध्यान भी है, हम बिजनेस कॉमर्स कर रहे हो, बिजनेस माइंडेड है अब आपका, कि जैसे देखो अगर हम बिजनेस शुरू करते हैं, सपोज मैंने जो है वो एक ग्रोसरी शॉप शुरू किया, ग्रोसरी शॉप मतलब एक किराने की दुकान मैंने शुरू की, तो उसमें मैंने पहले 1 लाख का सामान लगाया, फर्नीचर बनाया हमने, सामान वगैरह सब ग्रोसरी की सब सामान जो है वो खरीद कर मैंने वहां पर रखा, तो वो 1 लाख रुपए का मैंने सामान लगाया, तो मेरा कैपिटल 1 लाख का है, पड़ा है ना इतना सामान मेरा। अब बिजनेस की इंक्रीज हुई ना, फर्नीचर इंक्रीज किया, अब सामान पहले 10 आइटम रखता था, अब 20 आइटम रख रहा हूँ अपनी शॉप में, बरोबर ना। मतलब पहले मैंने 1 लाख लगाए थे, अब 2 लाख लगे हुए हैं, बरोबर, अगले साल और बढ़ा, 3 लाख लगे हुए हैं, 4, 5, तो ऐसे बिजनेस की ग्रोथ हो रही है तो हमारा वेल्थ भी इंक्रीज हो रहा है ना, बरोबर ना। ऐसे ही तो कहते हैं ना वेल्थ मैक्सिमाइजेशन। तो अगर मेरा वेल्थ इंक्रीज हुआ है, सपोज अब मेरा वेल्थ 5 लाख का है, बरोबर, प्रेजेंट वैल्यू ऑफ वेल्थ 5 लाख, 5 लाख लगे हुए हैं, और उसमें से मुझे कितने इन्वेस्टमेंट की रिक्वायर है, जैसे भाई भाई 5 साल हो गए मेरी जो शॉप चल रही है ना, मैंने शॉप में कहीं पर भी रिनोवेशन नहीं करवाया है, अब भाई जो है वो पानी टपक रहा है, अब जो है वो जो बाहर जो मैंने मेन बोर्ड लगाया था वो बोर्ड खराब हो गया, तो अब उसकी जगह पर जो है वो मुझे नया बोर्ड, नई एडवर्टाइजमेंट करनी होगी, तो उसमें खर्चे होंगे ना, बरोबर ना। या चलो 5 साल हो गए बाकी सब भले ही ठीक है, तो अब मुझे नई ब्रांच शुरू करनी है, बरोबर, अब यहाँ पे शॉप है, एक नई शॉप दूसरे एरिया में शुरू करनी है, तो उसके लिए इन्वेस्टमेंट की जरूर है। तो समझो 5 लाख में से 1 लाख की इन्वेस्टमेंट की रिक्वायरमेंट है कोई भी रीजन से, तो अगर 5 लाख में से 1 लाख माइनस करें ना, तो बाकी के हमारे नेट प्रेजेंट वैल्यू ऑफ वेल्थ कहलाता है, बरोबर। और वेल्थ मैक्सिमाइजेशन में यही कहते हैं कि मेन फाइनेंशियल मैनेजमेंट इसीलिए किया जाता है, मेन ऑब्जेक्टिव कि ये नेट प्रेजेंट वैल्यू ऑफ वेल्थ हमेशा इंक्रीज होती रहे, हमारे सिंपल वे में हमारा कैपिटल बढ़ता रहे, बरोबर। तो फाइनेंशियल मैनेजमेंट क्यों किया जाता है, सिंपल सा, एक प्रॉफिट बढ़ता रहे, दूसरा कैपिटल बढ़ता रहे, सिंपल कॉन्सेप्ट ये। और फाइनेंशियल मैनेजमेंट करने से फायदा क्या होता है, कैरेक्टरिस्टिक और ऑब्जेक्टिव समझे, अब उसकी इंपॉर्टेंस। फाइनेंशियल मैनेजमेंट, मनी का मैनेजमेंट अगर बिजनेस में कर रहे हैं तो उससे फायदा क्या, बहुत सारे फायदे हैं, ऑलमोस्ट इसमें देखे ही हमने, वही पॉइंट है। सबसे पहले एस्टिमेशन ऑफ फाइनेंशियल नीड्स, फाइनेंशियल मैनेजमेंट करते रहे ना, मनी रिलेटेड बिजनेस में हर छोटी छोटी चीज का हिसाब किताब रखे ना, तो कब कितने पैसों की जरूर है ना वो हमें पता चलता है। एस्टिमेशन ऑफ फाइनेंशियल नीड, भाई दिवाली आ रही है तो दिवाली के टाइमिंग पे जो है वो हमें अपनी शॉप में स्टॉक भर के रखना है, तो स्टॉक भर के रखना है तो उसके लिए जो है वो पहले इतने पैसों की जरूर पड़ेगी ना, ये जब फाइनेंशियल मैनेजमेंट करेंगे तो आएगा ना ये, कि अभी उत्तरायण आएगी, अगर उत्तरायण के टाइमिंग में हमें अपनी शॉप में कोई स्पेशल सामान रखने हैं तो पहले ही स्टॉक भर के रखेंगे, ऐसे थोड़ी कि उत्तरायण 14 जनवरी को है तो एक दिन पहले उसमें स्टॉक भरें, नहीं, एक महीना पहले स्टॉक भरना पड़ेगा, स्टॉक एक महीना पहले भरना पड़ता है, लेकिन सेल तो एक महीने बाद होती है ना, मतलब उत्तरायण के दिन तक होगी ना धीरे धीरे, बरोबर ना। तो इसीलिए कब कितने पैसों की जरूर है, ये तो खाली स्टॉक की नहीं, हर चीज में, अगले साल रिनोवेशन करवाना है तो उसके लिए पैसों की जरूर पड़ेगी, तो सब पैसे खर्च नहीं करेंगे, थोड़ा थोड़ा साइड में करके रखेंगे, बरोबर। तो जब प्रॉपर मनी का मैनेजमेंट करेंगे ना तो ही कब कितने पैसों की नीड है उसका एस्टिमेशन पता चलता है। देन एक्वायरिंग फाइनेंस,
फाइनेंशियल मैनेजमेंट से ये भी पता चलता है कि हमें फाइनेंस लेना कहाँ से, एक्वायर कहाँ से करना है, जो मैंने पहले डेफिनेशन में भी बताया कि अगर बिजनेस में पैसों की ज़रूरत है तो अपने पैसे लगाएं, या अपने पैसे नहीं हो तो बैंक से लोन लेनी है, या नहीं अगर लोन लेनी है तो भाई क्या शेयर होल्डर से पैसे लें, बरोबर, कहाँ से एक्वायर करने हैं वो भी हमें ये मैनेजमेंट से ही पता चलता है। ये उसका फ़ायदा है कि एक्वायरिंग फाइनेंस कहाँ से करना है वो इस मैनेजमेंट के थ्रू पता चलता है। हमेशा पैसे वहाँ से लिए जाते हैं जहाँ कम से कम खर्चा हो, जहाँ ब्याज कम लगता हो, हमेशा पैसे वहीं से ही लिए जाते हैं, वो प्रॉपर मैनेजमेंट से ही पता चलेगा। देन प्लानिंग एंड कंट्रोलिंग, हाँ फाइनेंशियल मैनेजमेंट में मनी रिलेटेड भी प्लानिंग एंड कंट्रोलिंग होती है भाई। मनी रिलेटेड भी प्लानिंग करनी पड़ती है ना, कब कितने पैसों की ज़रूरत पड़ेगी, कहाँ कहाँ खर्च करेंगे, और कंट्रोलिंग भी करनी पड़ती है उस पर कि भाई कहीं फालतू खर्च तो नहीं हो रहा है, कहीं बेवजह जो है वो हमारे पैसे घूम तो नहीं हो रहे, खर्च तो नहीं हो रहे, बरोबर। तो प्लानिंग एंड कंट्रोलिंग वो भी फाइनेंशियल मैनेजमेंट में किया जाता है। देन डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ फाइनेंस, फाइनेंशियल मैनेजमेंट से ये भी फायदा होता है कि फाइनेंस का प्रॉपर डिस्ट्रीब्यूशन पता चलता है कि कहाँ पर फाइनेंस हमें इन्वेस्ट करना है, कि भाई कितने पैसे रिजर्व में रखने हैं, कितना जो है वो वर्कर को सैलरी या बोनस देना है, कितना शेयर होल्डर को डिविडेंड देना है, बरोबर, कितने जो है वो कहीं पर इन्वेस्ट करने हैं, तो कहाँ पर पैसों का कहाँ कहाँ डिस्ट्रीब्यूशन होगा ये मैनेजमेंट से ही पता चलता है। तो ये उसका फ़ायदा है ना कि प्रॉपर डिस्ट्रीब्यूशन पता चलता है हमें। मेंटेनिंग लिक्विडिटी, लिक्विडिटी मतलब क्या कहते हैं, लिक्विडिटी मतलब कहते हैं कि इजीली कोई भी चीज़ को कैश में कन्वर्ट करना, या कहते हैं सिंपल कहो तो मनी सर्कुलेशन ईजी करना, हमारे पैसे कहीं अटके ना हो। पता बिजनेस में वो प्रॉपर बिजनेस वो कहलाता है कि जहाँ पर पैसों की जब भी ज़रूरत पड़े ना तब उस वक्त हमारे पास पैसे हाजिर हो। अगर ऐसा मैनेजमेंट करें ना तो ही वो प्रॉपर फाइनेंशियल मैनेजमेंट कहलाता है कि भाई अब अगर जो है वो मुझे पैसों की ज़रूरत है अर्जेंट में, तो कहीं ना कहीं से, और कहीं नहीं तो चलो बैंक से लोन मिल जाए, और कहीं नहीं तो शेयर होल्डर से पैसे मिले, पैसे हमारे पास हाजिर होने चाहिए, बरोबर, उसे प्रॉपर लिक्विडिटी कहते हैं। मेंटेन लिक्विडिटी, मनी सर्कुलेशन चलता रहे। कितने बिजनेसमैन ऐसे होते होंगे, आपने भी आसपास देखा होगा, वो बिजनेस की ग्रोथ करना चाहते हैं लेकिन वो उस वक्त क्या कहते हैं पता है कि यार अब तो पैसे ही नहीं है, यार मैं कहाँ से ग्रोथ करूँ, भाई मेरी एक ब्रांच चल रही है, मुझे नई ब्रांच शुरू करनी है, इच्छा बहुत है नई ब्रांच शुरू करनी है लेकिन यार अभी पैसे नहीं है, मैं कहाँ से शुरू करूँ। क्यों पैसे नहीं है? अगर आपने प्रॉपर प्लानिंग की है और नई ब्रांच शुरू करनी है तो प्रॉपर प्लानिंग में पैसों की भी तो प्लानिंग होनी चाहिए ना आपके पास, और प्रॉपर पैसे होने ही चाहिए, उसे कहते हैं प्रॉपर लिक्विडिटी होना, सही बात है ना। तो फाइनेंशियल मैनेजमेंट अगर प्रॉपर किया है तो उससे फायदा रहता है कि बिजनेस में लिक्विडिटी मेंटेन रहती है, जब पैसों की जहां जरूर हो वहां पैसे हाजिर रहते हैं हमारे पास। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम, ये भी जो है वो यहाँ पर देखा, फाइनेंस का हो या इनकम का हो, इनकम में मतलब प्रॉफिट, जो हमारा प्रॉफिट मिले वो प्रॉफिट का डिस्ट्रीब्यूशन कहाँ करना है, बिजनेस की ग्रोथ में, कहीं इन्वेस्ट करना है शेयर्स में, वर्कर को बोनस देना है प्रॉफिट में से, या और कुछ करना है, बरोबर, वो इनकम का कहाँ डिस्ट्रीब्यूशन करना है ये भी मैनेजमेंट से पता चलता है। देन मैनेजमेंट ऑफ करंट एसेट्स, करंट एसेट्स होते हैं ना कैश, स्टॉक, डेप्टर, बैंक बैलेंस, कोई नॉर्मल सिक्योरिटीज, ये सब करंट एसेट्स में आती है ना, उन करंट एसेट्स का मैनेजमेंट भी प्रॉपर फाइनेंशियल मैनेजमेंट में ही होता है। प्रॉपर फाइनेंशियल मैनेजमेंट किया जाए तो करंट एसेट्स का भी मैनेजमेंट अच्छी तरह से होता है, कब कितने स्टॉक की ज़रूरत है, कितने हमारे रिसीवेबल्स हैं, मतलब डेप्टर से कब कितने पैसे लेने हैं, उनका कहाँ यूज़ होगा, ये करंट एसेट्स का मैनेजमेंट भी इसमें इंक्लूड हो जाता है। देन फाइनेंशियल डिसीजन, ये तो सीधी सी बात है कि फाइनेंशियल मैनेजमेंट करने से ये फ़ायदा मिलता है कि हम प्रॉपर फाइनेंशियल डिसीजन ले पाते हैं कि भाई हम जो पैसे खर्च कर रहे हैं वो सही जगह पे खर्च कर रहे हैं ना, कहाँ कितने पैसे खर्च करने हैं या नहीं करने हैं, ये सब डिसीजन मैनेजमेंट के थ्रू ही लिए जाते हैं। एंड राइजिंग क्रेडिट ऑफ बिजनेस, बिल्कुल सही बात कि फाइनेंशियल मैनेजमेंट से बिजनेस की क्रेडिट बढ़ती है, सिंपल कहो तो बिजनेस की गुडविल बढ़ती है। पता है फाइनेंशियल मैनेजमेंट से एक फ़ायदा होता है कि हम लोग बिजनेस की जो भी लायबिलिटीज होते हैं ना वो टाइम टू टाइम चुकाते हैं। अगर हमने बैंक से लोन ली है, हर महीने बैंक को इंस्टॉलमेंट देनी है, सीधी सी बात ना, लोन लिया है तो हर महीने बैंक को इंस्टॉलमेंट देनी है, तो अगर फाइनेंशियल मैनेजमेंट किया है तो फिक्स, समझो पहली तारीख इंस्टॉलमेंट देनी है तो फिक्स पहली तारीख इंस्टॉलमेंट देंगे, बरोबर। समझो क्रेडिटर्स हैं, क्रेडिटर को पैसे चुकाने हैं, उनको मैंने वादा किया कि इस महीने की 10 तारीख को पैसे चुकाऊंगा, और फिक्स उसी महीने की 10 तारीख को अगर मैंने पैसे दिए तो आप सोचो बिजनेस की क्रेडिट बढ़ेगी ना,
बरोबर ना, बिजनेस की क्रेडिट बढ़ेगी कि नहीं, बिजनेस का नाम बढ़ेगा मार्केट में, इस बिजनेस का नाम होगा कि नहीं भाई, ये बिजनेसमैन जो है ना वो बिजनेसमैन हमेशा टाइम टू टाइम पैसे चुकाता है, बरोबर। हमारी गुडविल मार्केट में खासकर मनी से ही क्रिएट होती है, कि आपके बिजनेस में मार्केट में क्रेडिट कितनी है ये फाइनेंशियल मैनेजमेंट से बहुत अच्छी तरह से क्रिएट होगी, ठीक है। तो इसलिए बिजनेस में फाइनेंशियल मैनेजमेंट जरूरी है ना, उसके इतने सारे फायदे हैं, और बिल्कुल जरूरी है आपके घर पे भी अगर आपका बिजनेस चल रहा हो, या इवन आपकी जनरल लाइफ के लिए भी हम लोग कहें तो आपके लिए फाइनेंशियल मैनेजमेंट बिल्कुल जरूरी है। आप प्रॉपर मैनेजमेंट करो तो ही जो है वो आपकी लाइफ सही तरह से चल पाएगी, नहीं तो नहीं। तो आज जैसे इस मैनेजमेंट के हमने कैरेक्टरिस्टिक्स, ऑब्जेक्टिव, इंपॉर्टेंस देखे ना, अब जो चैप्टर के दूसरे पॉइंट्स, आगे के नए पॉइंट्स आएंगे वो अब हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। ओके, थैंक यू।